अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ फजा ज़ैरम। नाज़रीन, आप सबको आज नवरोज़ की मुबारकबादी पेश करते हैं। एशियन न्यूज़ हब की पूरी टीम की तरफ से आप सबको नवरोज़ मुबारक। आपको नवरोज़ के बारे में थोड़ा बता दें, चूंकि नवरोज़ जो होता है वो पर्शियन कैलेंडर का, ईरानियन कैलेंडर का पहला दिन होता है, जिससे जो साल की शुरुआत आज के दिन से ही होती है। और ये नवरोज़ जो है हर आप ईरान की बात करें, इराक की बात करें, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां ज्यादातर मनाया जाता है, और इंडिया में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। खसूस कश्मीर की बात की जाए तो आज के दिन जो है हम हजरतबल दरगाह हजरतबल में मौजूद हैं, और यहाँ आने का पर्पज ये है क्योंकि नवरोज के दिन ये सदियों से चलता आ रहा है लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब कि एक जिसको हम कश्मीरी में दिर्क कहते हैं, वो थेरेपीज यहाँ होती है, मेडिसिनल लीचिंग थेरेपी या हिड्रोथेरेपी भी जिसे कहा जाता है। और ये माना जाता है जो कि चूंक होता है वो ब्लड सक करते हैं, बैड ब्लड जो होता है, जो गंदा खून होता है वो सक करता है, और जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है, कोई डिजीज होती है, किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज होती है, या स्किन की कोई डिजीज होती है, या ब्लड क्लॉट्स होते हैं, वो इससे ठीक हो जाते हैं। और आज आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ है, जो लोग आए हैं वो इसी लीचिंग थेरेपी के लिए आए हैं, और यहाँ पे जो माहिरीन है वही ये लीचिंग थेरेपी जो है खुद ही कर रहे हैं। इसमें बताया जाता है कि जो लीच्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है ब्लड सक करने की, जिसकी वजह से जो गंदा ब्लड होता है वो ये सक करते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है डिजीज से दूर रहता है, इसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और ब्लड क्लॉट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी लाया गया है, क्योंकि किसी में इन्फ्लेमेशन, किसी में स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, या किसी में ब्लड की कोई डिजीज होती है, तो ये माना जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक समझी जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट समझा जाता है, जो कि आज भी अप टू डेट एंड इफेक्टिव है। हालांकि अभी जो है ये बहुत पुराना टेक्निक हो चुका है, क्योंकि अब कपिंग होती है, बाकी सब ट्रीटमेंट्स है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांसमेंट आया। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये लीचिंग का प्रोसीजर होता है, जो ये मेडिसिनल लीचिंग थेरेपी होती है, अभी भी जो है इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे हमारे साथ माहिरीन मौजूद है, थोड़ा सा इनसे बात करेंगे और थोड़ा सा ये भी बताएंगे हमें कि ये जो है ये प्रोसेस कितने देर का होता है और किस तरीके से इस प्रोसेस पे काम होता है। अंकल तकलीफ माफ, ये यहाँ से उठेंगे क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है नीचे बैठ के बात करने में, थोड़ा सा इन्हें भी तकलीफ लगेगी। आज इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि सब लोगों को नहीं पता है कि आज के दिन जो है ये लीचिंग थेरेपी यहाँ होती है। अब जिन लोगों को पता है वो यहाँ साल में पेशेंट आए, चाहे जन आए, मर्द आए, लोकुट आए, बोर्ड आए, तिमन दफायत लागान मान शुह पे शुहस गावटस रिहारस बुलर पेशस दान ना बुत तथ लगान ददर आंसर तथ लगान जोड़न दग वग आत लगान खबर कर नवरोज 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 इंसान आए तम सत प्रसाद तुंद शौक अत पैगम शफायत अत दुआ तुंद अच्छे मोन बस बन यह कसम न मे ग मेहरबानी खुद पास आग सब वसालत मे नश बढ़ो सोजर अत दह मिनट लगान योतान बुक गोतान मोटान मोटे पे थोड़ा तुम ठीक बिल्कुल ठीक रोजान दरगाह खसूस जुमा जुमा दु बार बार आए लूख अलाज पे ज्यादा अड़े दवा त्र अंग्रेज दवा त्रा इस्तेमाल गांधी लारे पे इस्लाबाद पे यपर श्रीनगर पे
سائنسن کر وہ واریا ترقی تو چھو ونی باسان کہ یہ چھو ونی چھ ایفیکٹ یہ ونی چھ کام کران پنن کام چھ یہ چھ پنن کام کران انشاءاللہ ان چھ فائدہ دین اور طور پر کنس تو پر سے کہ پیشنٹ چھ دو گئی مش پنن گھر زمانہ ایک چھ یہ پیشنٹ پر ڈاکٹر ایر لاج نو تو گزا فرق کین یہ یہ چھ ضروری مطلب اس گژھ ماہر آسن سوی ہے کہ مطلب کرنا یہ تم درک تراونا یہ کین یم سائنسن نیو یہ کہت چاہے دبائی یہ سائنسن درک سنگ کر اس تھوڑا کت گو سلام پیش کر نوروز مبارکس ونان تھی مے ون تو تھی تھوڑا سا تھی یور آمت یہ درک تراؤن یور لکٹ ترانے مطلب آج نیم لکچارس ترائم امی مقصد نوروز پہ درک ام غرض تران یہ برو حکمت علاج کیا اس حکمت علاج پہ درک تران ام غرض ات شوان یا مطلب وندس منہ نا نم گوگج گوگج کھسان تک اس علاج کیا تک اس علاج شیز وغیرہ باقی چیزن اچھی مانا یہ قسم مانا کی کیا گو بس تب پہ مانا مگر بہت ہیم دورس مجھ حساب ترقی مگر لکھنے فرق گئی اڑن کر اپلیٹ تمہیں دکار مز گاز مز کیا تھام مز لکن پہ تصری گان بیس پہ لوگ زیادہ تھی باسان لکن پہ یہ کر مطلب ٹھیک تھی تمہن تہ بہت بہان گوبر زور خریدار رٹ بہان زور رٹ بہت ٹھن کل دود دوا پہ فرق گئی تیل ہوں بیت یہ فرق کت ان لگان مطلب اگر کھوران کر شیٹ روپیے اکس شیٹ روپیے اکس کمس ہوں شیٹ شیٹ روپیے لاگنس اکس کمس لگان شیٹ روپیے کتیا استعمال گھنٹہ اگر شو یس یہ خوش گھر اڑ تام دہ تہ وہ ٹور تہ زڑ تام ترہ تہ یس حساب آپ یہ تھی نبر پہ انان واتان یہ بنان یہ ام پہ تھی ات کران آج کرو تھی ون استعمال مران ثن تر کر لگان پہ مانا بیس کھنس کھنس مران لڑ اچھا مران لاگن کیا اتنس کھنس کھنچ شکریہ تو یہاں پہ ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ یہاں پہ یہ ماہرین ہیں جو کہ یہ لیچنگ پروسیجر جو ہے جن کو پتا ہے کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے حالانکہ ان کا یہ بھی ماننا ہے اگر ماہرین نہیں ہوں گے تو انہیں جو ہے باقی جو لوگ ہیں انہیں یہ کرنا نہیں آئے گا اس کا جو اپلیکیشن ہوتا ہے پروسیجر ہوتا ہے وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے جب تک ماہرین سامنے نہ ہو وہ نہ کر سکے تو تھی ونتے میں تہ کر پہ ووتو یور یہ عمر ویری بس گاندربل ڈسٹرک ڈسٹرک گاندربل یہ ات کیا گھنٹہ یہ قسم ویکسین یم سات درکہ تراؤن نوروز پہ یہ ام قسم یہ خون کڑان اگر گند خون تہ سہ کڑان امس گھان سر فرق آسان طریقہ تہ سست ام سوش پہ یم سی درک تراؤن نا ام سر مازس سسر لگان تچھ وتان پہ امیک نتیج نا ام سری نا امس اصل اتنا امس ٹینشنہ وینشنہ تیوت تکلیف تیوت مشکلات کران کی اگر اگر کنس اندر پھٹرہ تہ سر درک نہ یہ یہ ڈبان کی مسل یہ چلان یہ پن نظام چلان ات مجھ نقصان کھانا ات مجھ نقصان یہ کیا نقصان ات کیا نقصان
अच्छी नुकसान। तो यहाँ पे हमने कुछ माहिरिन से बात की और यहाँ पे एक जो है ये भी लगातार यहाँ आ रहे हैं ये इस प्रोसीजर के लिए जो कि मेडिसिनल लीजन थेरेपी जिसे कही जाती है उसके लिए यहाँ आते हैं और लगातार जो प्रोसीजर इनका चलता रहता है। इनका मानना है कि इसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इसकी डिसएडवांटेज नहीं है, इसलिए जो लीचिंग प्रोसीजर होता है ये जब गंदा ब्लड जो है आपकी बॉडी से सक करता है तो आप में जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते हैं, ईजी है, इफेक्टिव है, चीप है, जिसकी वजह से जो है आज यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ जो है आसपास की आसपास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मर्द जन बच्चे बुजुर्ग सब आए हुए हैं और सब इसी थेरेपी के लिए आए हुए हैं। जैसा कि ये कहते हैं ये फ्राइडे को भी होता है लेकिन नवरोज के दिन यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है और लोग यहाँ आते हैं जिनमें स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है या कभी जो है कोई फेस पे भी स्पेशली अगर फेस की बात की जाए क्योंकि आज जो लोग हैं वो काफी सेंसिटिव हो गए हैं स्किन को लेके, काफी ज्यादा वो सोचने समझने लगे हैं कि फेस वॉशेस का किस तरीके से फेस वॉशेस इस्तेमाल करने, फेस पैक्स को लेके। लेकिन यहाँ आज ऐसे लोग भी आए हैं कि जो जिनको लगता है कि अभी भी यह अप टू डेट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, हालांकि साइंटिफिकली भी ये अभी तक इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि इसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, इसका अपना एक टाइम रहता है और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये सस्ता भी है। साथ में आपको ये भी बता दें चूंकि आज नवरोज का ही मौका है और नवरोज के ही मौके पे ये सब लोग यहाँ जमा हो चुके हैं और इनका मानना है कि इससे आप साल भर के लिए हर तकलीफ से, जो भी जिस्मानी तकलीफ होती है आपको, उससे दूर रहते हैं, आप डिजीजेस से जो है बचते हैं। तो आज आने का मकसद यही था चूंकि ये जो मेडिसिनल लीच थेरेपी होती है या हिडोथेरेपी जिसे कहा जाता है वो यहाँ पे हो रहा है और जो कि ईजी है, इफेक्टिव है। आज के दिन पे आप सब देख रहे हैं कि पीछे से जो है कितनी भीड़ भाड़ है। आज लोग खुसूसी तौर जो है आज इसीलिए यहाँ आए हैं क्योंकि लीचेस में एबिलिटी होती है ब्लड सक करने की और जिस तरीके से इन्होंने कहा लीचेस का ये नहीं रहता है कि वो कितने टाइम तक चलेंगे। पर लीच जो है जो सक करता है ब्लड उसको पर लीच 60 रुपीज जो है पे करना पड़ता है। आप जितने लीचर चाहे जो है लीच से चाहे ब्लड सक करवा सकते हैं और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लीच चाहते हैं। यहाँ आप लाइव देख सकते हैं कि लीचेस को जो है यहाँ पे इनके पैरों पे रखा गया है और माहिरीन ही जो है इन पे नजर रखे है कि किस तरीके से इन लीचेस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ये जो लीचिंग थेरेपी करा रहे हैं इनसे पूछेंगे थोड़ा। तू वनते में तू कट पट छुआ इसे सर महेश नगरी पेट उस हां ये वन तो तुम्हें तय क्या तकलीफ उस में की ना थोड़ा तातरी उस आसान मुमलियात आई मुझे तो मैं आज गयो नहीं वरस तो ये शफा हो जात ये पत किम दितनो ता ये सजेशन यू और यू लीचिंग थेरेपी को डीडीएन उस बे मम्मी तुम तो एक जो फलन जी दरगाह तो और कुछ इंशाल्लाह रमा खुदा कर शफा एम ब्रो छु तो यू और आम ना इनशा फर्क गई अल चीज अल क्या शो फेफोर आीज या गर्दन पे कहान खुदा कर शफा कर اہن سا اصل اصل ساروی کھوت دعا شفا اتھ شفا شکریہ تو ان سے ہم نے بات کی جس طریقے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ آج کے دن اگر یہ تھراپی کراتے ہیں تو اس میں اوپر والے نے اور لوگوں کی دعاؤں سے اور اوپر والے نے اس میں شفا عطا کی ہے اور شفا بخشی ہے اسی کی وجہ سے لوگ جو ہے ان پرانے زمانے کے قدیمی زمانے سے جو چلتی آ رہی تھراپیز ہے لیچنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ چلتی آ رہی ہے اور ابھی بھی اس کو افیکٹو مانا جاتا ہے اپ ٹو ڈیٹ مانا جاتا ہے ناظرین آگے بھی آپ تک رپورٹ پہنچاتے رہیں گے فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت ایشیا نیوز ہب درگاہ حضرت بل سری نگر کشمیر